आप अपने एज से 10 साल छोटे लग सकते हैं। यस, आपने बिल्कुल करेक्ट सुना। आज का टॉपिक है हाउ टू लुक 10 ईयर यंगर देन योर रियल एज। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने उम्र को कैसे हम बांध के रख सकते हैं, वो भी एक जापानी स्किन केयर टेक्निक के साथ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल में हम बात करते हैं होम रेमेडी, स्किन केयर, हेयर केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, क्लियर स्किन डजंट मीन ए फेयर स्किन। एक फेयर स्किन और एक क्लियर स्किन में बहुत फर्क है। ऐसा कोई भी होम रेमेडी नहीं है जो आपके स्किन को फेयर कर दे। एक अपना स्किन का एक कलर होता है जो नेचुरल कलर होता है, वो हमारे स्किन के रूटीन के बिगड़ने से या फिर हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके वजह से दब जाता है। होम रेमेडी एंड कोई भी उसको अपने बस रंग को निखारना जिसे कहते हैं उस चीज में काम आता है, ना कि मैं आपको ये दावा करूंगी कि मैं आपके कलर को यहां से यहां ले आऊंगी। नो, नॉट एट ऑल। लेकिन ये टॉपिक होने वाला है थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे अगर आपके स्किन में हो गया है बहुत सारा पिगमेंटेशन, झाइयां एंड ब्लैकेट्स, व्हाइट हेड्स, और स्किन पे हुए हैं आपके पिंपल मार्क, एंड यहाँ पे अगर कुछ चीजें हैं जैसे आपके चेहरे पे धब्बे आ जाते हैं, दाग आ जाते हैं, दिस इज अपार्ट फ्रॉम बर्थ मार्क। अगर बर्थ मार्क है तो वो तो कभी भी नहीं जाएगा, वो तो रहेगा। लेकिन एजिंग जिस जिस फैक्टर को लेके आता है उस चीज को ये जो डी आई वाई क्रीम है ये रिमूव करेगा। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसे हमें घर पे ही बनाना है। जो घर पे चीजें अवेलेबल है हमारे किचन में उन्हीं चीजों से ही इसको बनाना है, ना कुछ मार्केट से खरीदना है, ना कुछ ज्यादा आपको मेहनत करना है। एग्जैक्टली जापानीज जो लोग होते हैं अगर आप उन्हें देखेंगे तो उनका स्किन बहुत सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी रहता है। वो अपने एज से बिल्कुल 10-20 साल कम लगते हैं। लाइक मदर डॉटर अगर एक साथ जाए तो आप पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन माँ है और कौन बेटी है। तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए वो जान लेते हैं। हमें चाहिए राइस, चावल कोई भी हो लेकिन वो व्हाइट राइस होना चाहिए, नॉट ब्राउन। एंड सेकंड चीज हमें चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल, ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। एंड तीसरा चीज हमें चाहिए फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड का जेल यानी कि आलसी के बीज, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये 3 प्रोडक्ट से हम बनाने वाले हैं आज की रेमेडी। एंड ये मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, मार्केट में जो महंगा एंटी एजिंग क्रीम पैक मिल रहे हैं उसको ये 100% बीट करता है। लाइक आप देखोगे मार्केट में कोई भी एंटी एजिंग क्रीम मिलते हैं या पैक मिलते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेटिनॉल यूज होता है। वो रेटिनॉल एक केमिकल है जिससे हमारा स्किन का एजिंग प्रोसेस स्लो होता है। अगर हमारे स्किन पे झाइयां, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है उसे वो कम करता है। अगर ये जो पैक है आप लगाते हो ये रेटिनॉल से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। रेटिनॉल का एक साइड इफेक्ट भी है, वो ड्राई स्किन को और भी ज्यादा ड्राई बनाता है एंड ब्रेकआउट्स लेके आता है। लेकिन ये जो फेस पैक है इसमें आपको ब्रेकआउट होने का कोई भी चांस नहीं है। तो इसको बनाने का क्या प्रोसेस है? तो इसको बनाने के लिए हमें पहले राइस को लेना है, उसे कुक करना है। एंड ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास राइस रह गया हो जिसमें नमक डला हुआ हो, नहीं नहीं, आप एक स्पेशल राइस इसके लिए कुक कर लीजिए। जैसे आपको थोड़ा सा चावल लेना है एंड उसको सस्पेन में इस तरीके से बना लेना है, सॉफ्ट बनाना है, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए राइस, क्योंकि इसका हमें पेस्ट बनाना है। लाइक दिस राइस को आप लीजिए, तो राइस का हम इसमें एक स्मूथ पेस्ट बना देंगे। एंड ये ध्यान रखेंगे कि ये पेस्ट का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाए। इस राइस के साथ हम ऐड करेंगे फ्लैक्सीड जेल। एंड फ्लैक्सीड का जेल कैसे निकालेंगे? फ्लैक्सीड के जेल निकालने के लिए हमें फ्लैक्सीड को गर्म पानी में उबाल देना है। अगर आपको फ्लैक्सीड जेल बनाने के वीडियो देखना है तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक हेयर केयर रिव्यू बना रखा है, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं फ्लैक्सीड का जेल कैसे बनता है। तो उस फ्लैक्सीड जेल को आपको इसमें ऐड करना है। एंड फ्लैक्सीड जो जेल होता है वो हमारे स्किन के लिए
हेयर के लिए काफी अच्छा होता है एंड आप इसे एक बार बना के बहुत टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। इसे एक ग्लास कंटेनर में स्टोर कर दीजिए एंड फ्रिज में रख दीजिए, ये लगभग 15 दिन के लिए रह जाता है। ओके, कम टू द प्रिपरेशन पार्ट। तो हम इन दोनों चीज को अच्छी तरीके से एक मिक्स देंगे, इसे अच्छे से फेंटेंगे। आप कोई भी ग्लास का जार ले सकते हैं या फिर कोई सेरामिक के कटोरी ले सकते हैं जिसमें आप अच्छी तरीके से इसे मिक्स करें इस तरीके से, ताकि फ्लेक्सड का जेल और राइस का पेस्ट दोनों इक्वली लाइक मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ, वो बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्मेट में आ जाए, उस तब तक हमें इस चीज को फेंटना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि आपके स्किन में एक नेचुरल ग्लो देता है एंड विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल है, आप सबको पता ही है, क्योंकि विटामिन ई में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होता है जो हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है एंड विटामिन ई में होता है मॉइस्चराइजेशन के स्किल, ताकि वो हमारे स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। एंड फ्लेक्सड में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, हमारे जितने भी साइंस ऑफ एजिंग है, लाइक अगर आपके स्किन में सनबर्न है, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, झाइयां है, और अगर दाग धब्बे है जो बहुत पुराने, आपको कभी अपने टीन एज में पिंपल्स हुआ था एंड वो वाला पिंपल का मार्क अभी तक आपके चेहरे में है, तो आप इस पैक को जरूर ट्राई करना। जो गड्ढे बने हुए होते हैं ना, जैसे बहुत पुराने टाइम से आपके गड्ढे बने हुए हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये फेस पैक भी उसको भी ठीक करता है एंड एक क्लियर स्किन आपको देता है एंड बिल्कुल ग्लो करेगा आपका स्किन और एक क्लियर फॉर्मेट में आपके सामने आएगा। नेक्स्ट राइस के बारे में बात कर लेते हैं। राइस में भरपूर मात्रा में एंटी एजिंग है प्रॉपर्टीज़ है, साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है एंड ये हमारे जो स्किन है उसको लाइटन अप करता है। राइस में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है जो हमारे स्किन को लाइटन अप करता है, ब्राइट करता है हमारे स्किन को, एंड ये तीन को जब हम कंबाइन करके क्रीम के फॉर्मेट में ले आते हैं, ये बन जाता है एक वाओ मिक्सचर एंड जस्ट मैजिक। जापानीज लोग खुद इसको ट्राई करते हैं एंड खुद अपने डे टू डे लाइफ में इसे अप्लाई करते हैं एंड बेस्ट पार्ट इज दैट आप इस क्रीम को 15 डेज तक फ्रिज में एज इट इज स्टोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर हो, एयर टाइट कंटेनर से आप इस तरीके से इसे पैक करके रख सकते हैं एंड 15 दिन तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसे अप्लाई करने के लिए अपनी फेस को एक नॉर्मल या फिर एक पैराबिन सल्फेट फ्री फेस वॉश से अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर दीजिए, साथ ही साथ अपने स्किन को पैट ड्राई कीजिए एक टॉवल के साथ। स्किन को कभी भी रब नहीं करना है। यहाँ पे मैं दूंगी आपको एक एक्स्ट्रा टिप, क्योंकि मेरी हर वीडियो में होता है एक एक्स्ट्रा टिप। तो टिप ये है कि आप कभी भी अपनी स्किन को वॉश करने के बाद सीधा एयर में सूखने के लिए देते हैं तो काफ़ी अच्छा है, अदरवाइज टॉवल से स्किन को हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से ड्राई करें, ना कि उसे रब करें। रब करने से आपका स्किन हार्श हो सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है। तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आज का टिप। तो फिर आपको क्या करना है, अपने फेस को अच्छी तरीके से ड्राई करने के बाद इस पे अप्लाई करना है ये वाला पैक लाइक दिस। इस तरीके से इवनली अपने स्किन पे इसको अप्लाई करेंगे एंड इसको अप्लाई करके आपको रखना है 20 मिनट्स तक, या फिर आपके स्किन पे जब तक ये जो फेस पैक है ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, एंड ये ड्राई होने के बाद ऐसा लगेगा जैसे आप 80 साल के हो गए। ये बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है कि जैसे होता है ना कि एक चीज जब हम करते हैं उसका जो एंड रिजल्ट को टारगेट करने के लिए करते हैं वो उसी चीज को बना देता है। आफ्टर वॉश यू गोना गेट क्लियर स्किन एंड आई जस्ट एडमायर कि ये इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट कैसे देता है। एंड मैं इसे हर हफ्ते ट्राई करती हूँ, हर हफ्ते मुझे मेरे स्किन को प्रेप करना काफी पसंद है, आप लोगों को पता है, एंड इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसको आपको यूज करना है हफ्ते में एक बार, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो हफ्ते में दो बार भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका स्किन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आई सजेस्ट यू टू यूज दिस फेस पैक ट्वाइस इन ए वीक।
एंड इसको इस तरीके से अप्लाई करने के बाद जब ये ड्राई हो जाए उसको आप वॉश कर सकते हैं, अदरवाइज इसे पील अप कर सकते हैं। बट आई प्रिफर टू वॉश दिस क्रीम थॉरली रादर देन पीलिंग इट अप, क्योंकि पील करने से कभी कभी हमारे स्किन हार्म हो सकता है। लेकिन अगर आपके फेस पे फेशियल हेयर हैं एंड छोटे छोटे से ब्लैकेड व्हाइटेड है तो आप इसे पील कर सकते हैं, लेकिन आप इसे अपने आईब्रोज पे अप्लाई मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी आईब्रो ही उड़ जाएगा। तो इसको ध्यान से अप्लाई करना है एंड इसको इस तरीके से वॉश करके वंस अगेन आपको टॉवल से अपने स्किन को ड्राई करना है एंड यू गोना गेट ए गुड रिजल्ट आफ्टर यूजिंग दिस। एंड एक जो विजिबल चेंज होता है वो आपको सामने ही दिखेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर देना जिनको जरूरत है उनके साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग।